graph which show the number of books sold by a year and stored during the 5 consecutive year. Learners, इस बार ग्राफ में हमें क्लियरली मेंशन है कि यहाँ पर क्या हो रहा है. ये देखिए y एक्सिस जो है, y एक्सिस में दिया हुआ है आपको नंबर ऑफ बुक्स, मतलब कि यहाँ पर आपको मेंशन है कितनी बुक्स है, यानी कि नंबर ऑफ बुक्स मेंशन है. सिमिलरली x एक्सिस पर जो दिया हुआ है आपको वो क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर्स. फाइन, तो हमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बार ग्राफ में, कि यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स. 5 सालों में कितनी बुकें कौन से ईयर में सोल्ड हुई है. सपोज 1989 में कौन सी बुक कितनी सोल्ड हुई है, 1990 में कितनी बुकें सोल्ड हुई हैं, मतलब कितनी बुकें बिची हैं, 1991 में कितनी बुक सेल हुई हैं, एंड 1992 में कितनी बुक सेल हुई है, मतलब यहाँ से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक, तो ये इसका बार ग्राफ का ग्राफ में क्लियरली मेंशन है कि किस ईयर में कितनी बुक सेल हुई है. फाइन, यहाँ हमें बार ग्राफ में ये भी मेंशन है कि 1 सेंटीमीटर की स्केल में कितनी बुक सेल हो रही है, 100 बुक्स. ये देखिए लर्नर्स, यहाँ 0 से 100 मतलब कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की आपको डिस्टेंस दी गई है और इस डिस्टेंस में कितनी बुक सेल हो रही है. सिमिलरली 100 से 200 1 सेंटीमीटर का स्केल दिया हुआ है यहाँ पर और इसमें कितनी बुक्स सेल हुई है. 100, 200 से 300 का एक स्केल दिया हुआ है, तो यहाँ नंबर ऑफ स्केल हमें दिए हुए हैं जिसमें कि हमें ये पता चल रहा है कि कितनी बुक्स सेल हो रही है इस रिस्पेक्टेड ईयर्स में. फाइन, तो ये हमें ये बता रहा है कि एक स्केल कितने का है हमारा, 100 का एक स्केल है और ईयर्स कितने दिए हुए हैं जो कि आपको यहाँ मेंशन है ईयर. सो फर्स्ट पार्ट इज अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1992 एंड 1990, मतलब कि कितनी बुक्स सेल हुई है किसमें, कौन कौन से ईयर में, 1989 में, 1992 में, 1990 में. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे फर्स्ट वन का. तो यहाँ लिखा हुआ है कि 1989 में कितनी बुक सेल हुई है. सो 1989 में कितनी बुक सेल हुई है ये देखते हैं हम पहले. सो यहाँ आप देखिए 1989 में, यहाँ पर इसको डॉटेड प्लॉट कर रही हूँ, 1989 में कितनी बुक सेल हुई है. ये देखिए जो ग्राफ में हमें मेंशन है 100 और 200 के बीच में, यहाँ ये जो बन रहा है ये स्केल देखिए आप, ये स्केल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, अबव टू 150, मतलब अगर ये 150 होता तो यहाँ ये सेंटर में होता. फाइन, ये सेंटर में नहीं है, सेंटर से थोड़ा और अबव है, तो थोड़ा और अबव है तो इसको अगर हम मान सकते हैं तो इसको हम अप्रोक्सीमेट लेके चलेंगे. फाइन, हमें नहीं पता कि कितना हो सकता है बट हम इसे अप्रोक्सीमेट लेके चलेंगे. तो अप्रोक्सीमेशन के लिए मैं इसको मान लेती हूँ कि 170 हो सकता है, 180 भी हो सकता है आपके ऊपर, 170 भी आप इसको ले सकते हैं, 180 भी ले सकते हैं, बट 190 नहीं ले सकते इसे क्योंकि ये बिल्कुल 9 के करीब हो जाएगा 190. फाइन, तो 170 या 180 आप ले सकते हैं. नाउ 1992 की बात करें तो 1992 में देखिए आप, ये मैं इसको फिर यहाँ पर डॉटेड प्लॉट करती हूँ 1992 के लिए. ये देखिए डॉटेड प्लॉट किया मैंने, अब यहाँ पर हमें ये जो दिखा रहा है 200 और 300 के बीच में दिखा रहा है. फाइन, सो 200 और 300 के बीच में दिखा रहा है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 200 और 300 में ये इसको जो ये बार ग्राफ दिखा रहा है तो बार ग्राफ में ये सेंटर में तो नहीं दिखा रहा है, बट 200 और 300 मतलब कि 250 से कम ही है ये. सो 250 से कम है, यहाँ पर ये थोड़ा सा मैंने और ऊपर बना दिया, ये एक्चुअली में थोड़ा और नीचे है. फाइन, तो 250 से और कम है ये, मतलब मैं इसको अगर अप्रोक्सीमेट लेके चलूं तो ये 225 ले सकते हैं इसको आप, ठीक 230 ले सकते हैं आप, इससे ज्यादा नहीं ले सकते. फाइन, सो 225 मैंने ले लिया इसे. अब उसके बाद में 1990 दिया हुआ है आपको. सो 1990 में अगर हम देखें तो 1990 कहाँ है आपका, ये रहा. सो 400 और 500, अब देखिए 400 और 500 ये देखिए यहाँ ये बन रहा है, तो 400 और 500, अब देखिए 450 अगर होता तो यहाँ होता सेंटर में, ये इधर होता ये कहीं,
अब ये क्या है 450 से ऊपर है, 450 से ऊपर दैट मीन्स ये आप ले सकते हैं इसको 470 या फिर 475 ले सकते हैं आप इसको, तो मैं इसको 475 ले रही हूँ। तो ये एक अप्रोक्सीमेशन है पूरा का पूरा जो मैंने अभी लिया हुआ है, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेशन लिख दूंगी। ये इसको मैं अप्रोक्सीमेशन लिख दूंगी, फाइन। ये मैंने लिख दिया अप्रोक्सीमेशन, मतलब ये अप्रोक्सीमेटेड आइडिया है, करेक्ट आइडिया नहीं है, फाइन। अब मूव करते हैं सेकंड वन की तरफ, इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड, मतलब कौन से ईयर में 475 बुक सोल्ड हुई है। ये देखिए 475 जो कि अभी हमने लिया था वो आ गया, अब यहाँ 1990s का आंसर हो जाएगा। एंड अबाउट 225 बुक सोल्ड, अब देखिए 225 भी यहाँ आ गया, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 1992 और 1990। तो मैं इसका आंसर यहाँ लिखे दे रही हूँ 1990। ये देखिए 475 बुक्स कितने सोल्ड हुई 1990 में, सो 1990 उसके बाद 1992। नाउ द थर्ड वन, इन विच ईयर फ्यूअर देन 250 बुक सोल्ड, मतलब कि कौन से ईयर में 250 से कम बुकें सेल हुई हैं। सो 250 से कम की बात करें तो ये देखिए आप 170 और 225, मतलब कि वो कौन से ईयर है जिसमें 250 से कम किताबें बिकी हैं, मतलब कि वो है 1989 और 1992। तो यहाँ हम सॉल्यूशन में लिख सकते हैं इसको 1989 एंड 1992, ये है वो दो ईयर जब 250 से कम बुक सेल हुई है। नाउ द फोर्थ वन, कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। अब हमें यहाँ क्या एक्सप्लेन करना है कि हम कैसे एस्टिमेशन ले रहे हैं कि जो बुक्स है 1989 में वो कितनी सेल हुई है, हमें ये बताना है इन्हें। तो अब हम ये कैसे बताएंगे लर्नर्स, ये देखिए हम इसके ऊपर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 बुक्स, ये जो हमें दिया हुआ है इसी की हेल्प से हम जो अभी तक फाइंड आउट कर रहे हैं कि कौन सी ईयर में कौन सी बुक सेल हुई है। विद द हेल्प ऑफ दिस हम इसी के कारण अभी तक सारी की सारी बुक्स और कितनी बुक्स कितने ईयर में सेल हुई है ये हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो हम इसका हेल्प यहाँ पर लिखते हुए यहाँ लिख देंगे इसमें फोर्थ वन में 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 बुक्स, जस्ट बिकॉज ऑफ इट हम अभी तक हम ये सॉल्व कर सकते हैं कि कब कौन सी बुक सेल हुई है। तो हमें पता है कि यहाँ जो बार ग्राफ में हमें दिया हुआ है वो कितना कितना स्केल पर दिया हुआ है, मतलब कि मैंने आपको अभी अभी बताया था कि एक स्केल जो है वो 100 की दी हुई है। तो लर्नर ये था ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक बात और याद रखिए लर्नर्स, मैं जो यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ बाय मिस्टेक जो बार ग्राफ में बना रही हूँ, कभी कभार छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, जैसे कि मैंने देखी यहाँ बार ग्राफ में एकदम अप्रोक्सीमेशन नहीं बन पाएगा। सो प्लीज इस बात का आप ख्याल रखें क्योंकि यहाँ पर जो ब्लैक बोर्ड पे मैं बनाऊंगी वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, जैसे कभी मैं बनाती हूँ 150 और 150 की जगह और आपको अगर चाहिए 170 तो कभी कभार वो 170 से 180 भी हो सकता है। तो इस तरह की छोटी मोटी मिस्टेक्स हो सकती है बार ग्राफ में, तो आप क्या है उसको बुक में प्लीज एक बार और अच्छे से क्वेश्चन को नोट आउट करें। बाकी मैं जो बना रही हूँ वो मैं क्लियर ही बनाने की कोशिश करती हूँ, आप बुक में प्लीज उसको एक बार देखें और रिकॉल करें ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। और हाँ, बार ग्राफ के लिए आप बार ग्राफ कॉपी जरूर परचेज कीजिए ताकि आपको इजीली समझ में आ सके, वहां आपको बिल्कुल क्लियर और कॉन्साइज लाइंस दी हुई है ताकि आप इजीली देख सकें और फाइंड आउट कर सके कि हाँ भाई यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ अभी किया ये देखिए 100 और 200। अब मेरे को यहाँ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या लूँ मैं, अप्रोक्सीमेशन लिया है हमने। तो इसी तरीके से आप वहां पर आपको बार ग्राफ कॉपी दी हुई है आपको, तो बार ग्राफ कॉपी की हेल्प से आप करेंगे तो ये आपको इजी पड़ेगा। बार ग्राफ कॉपी की में आपने देखा होगा इस तरह से बहुत पतली पतली लाइनें बनी होती हैं, तो इससे क्या है कि हम इजीली देख सकते हैं कि कहां क्या मेंशन है।